हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है। एडिशन दिखाया था, सब्सट्रैक्शन दिखाया था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन एंड क्या होगा डिविजन। उसके पहले पहले मल्टीप्लिकेशन दे दो। क्या है कि वी नो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म इज जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, जहाँ पे ए बी कहाँ के रियल नंबर है एंड आई बिंग द आयोटा, द वैल्यू बींग आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, बेसिकली दैट इज यूज। ओके ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता होगा। जैसे कि हमने एडिशन किया है, ये सब्ट्रैक्शन किया है, वैसे ही होगा? नहीं, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि जहाँ पे ये इसका वैल्यू यूज़ होंगे। अगर हम मान लेते हैं कि जेड वन इक्वल्स टू, ठीक है, एग्जाम्पल से 3 + 4i, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड जेड टू इक्वल्स टू 4 + 5i, वाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेड वन एंड जेड टू, राइट? ओके, सो हमने ले लिया जेड इक्वल्स टू जेड वन स्टार जेड। ओके, जेड वन का वैल्यू कितना है 3 + 4i, एंड जेड टू के वैल्यू कितना है 4 + 5i। बेसिकली मैं इसी एग्जांपल के जरिए से आपको एक फार्मूला बता दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, पहले करके दिखाता हूँ, उसके बाद उसको डायरेक्ट फार्मूला भी बता दूंगा। ठीक है, तो क्या है, पहले 3 मल्टीप्लाई बाई 4 + 5i प्लस क्या होता है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करो, 4i मल्टीप्लाई बाई 4 + 5i, राइट? सही है। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होगा 12, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15i, प्लस 4 × 4 क्या होगा 16i, प्लस 4 × 5 क्या होगा 20i, इंटू आई क्या होगा आई स्क्वायर। अब जो बताया मैंने आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है, तो 12 + 15i प्लस 16i प्लस क्या होगा, प्लस होगा प्लस 20 × -1, दैट इज -20। तो -20 + 12 दैट इज -8, राइट? एंड ये क्या होगा 31i। सो अगर आप देखोगे तो ए का वैल्यू कितना है -8 है, और बी का वैल्यू कितना है 31 है, राइट? ये तो हमने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया। अब इसको हम कैसे डायरेक्ट निकलवा सकते हैं कि ये वैल्यू आएगा कैसे। चलो अब आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं। अगर मान लो कि जेड वन, ये तो मैंने एग्जांपल की तरफ से लिया है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ से लिया तो अगर मान लो जेड वन इक्वल्स टू 3 + iq, राइट, एंड जेड टू इक्वल्स टू क्या ले, ओके, m + in, ठीक है, दोनों अलग अलग ले लिया। अब जेड इक्वल्स टू क्या है जेड वन स्टार जेड टू इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है पी मल्टीप्लाई बाई एम माइनस एन मल्टीप्लाई बाई क्यू, मतलब पी मल्टीप्लाई बाई एन सॉरी एम एंड एन मल्टीप्लाई बाई क्यू, ओके, प्लस ये हो गया रियल पार्ट का काम, आई इंटू पी एन प्लस एम यू। ओके, बेसिकली दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अगर आप देखोगे इसका तो रिजल्ट ये आया था, क्या इससे वो रिजल्ट आएगा, आपको एक बार करके देख लो, ठीक है, कैसे, पी एम, पी एम मतलब 3 × 4 क्या होगा 12, ओके, माइनस एन इंटू क्यू, एन क्या है ये है क्यू, ये है मतलब 5 × 4 दैट इज 20 हो गया, प्लस आई इंटू पी एन, पी ये है ये नहीं है, तो 3 × 5 कितना होगा 15, और प्लस एम क्यू, एम कितना है, एम ये है क्यू ये है 4 × 4 प्लस 16। देखो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों सेम है, 12 - 20 दैट क्या होता है -8, प्लस 15 + 16 कितना होता है 31i आया। तो अगर आपको नेक्स्ट बार
मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिले तो डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ करना, ना कि आप मल्टीप्लाई करके देखना यहाँ पे एक लाइन में हो गया, यहाँ पे आप लोग कितने लाइन करना पड़ रहा था। ठीक है, तो अब आते हैं डिवीज़न की तरफ। तो बेसिकली डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं शॉर्टली बता देता हूँ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है, ठीक है, जहाँ के ए बी बिलोंग्स टू आर, सो हम लोग क्या कंजुगेट को हम जेड बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं जेड बार या जेड टू दी पावर छोट स्मॉल छोटा सा सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर बेसिकली हम यही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कंजुगेट ऑफ जेड इज, इसको कहते हैं इस, ये क्या होता है ए प्लस के जगह पे ए माइनस ऑफ आई बी होता है, जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर। देखो बेसिकली मुझे बोलना ये है कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इज अपोजिट साइन ओनली द इमेजिनरी पार्ट का, मतलब रियल पार्ट जो है ठीक है, पर इमेजिनरी पार्ट का जो वैल्यू है उसका अपोजिट साइन होगा द कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट नंबर। ठीक है, देखो इससे ज़्यादा बोलने से मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको पता है या नहीं ये सब बताने से के लिए ही मैंने बता दिया कंजुगेट क्या होता है। ठीक है, तो एक सेम एग्जांपल में मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ, उसके डिवीजन का मैं फार्मूला भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो जेड वन बाई जेड टू करने के लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी होगी आपको, मतलब देखो यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से क्या थ्री प्लस फोर आई बाई फोर प्लस फाइव आई। ठीक है, अगर ये डिवीजन का वैल्यू निकालना है ना तो ये नीचे जो हिस्सा है इसको आपको मल्टीप्लाई करनी होगी इसके कंजुगेट से। क्यों, देखो अगर फोर प्लस फाइव आई का कंजुगेट क्या होगा फोर माइनस फाइव आई, दैट इज फोर माइनस फाइव आई अप में भी और फोर माइनस फाइव आई डाउन में भी। क्यों, बेसिकली क्या है कि ये अगर काट जाएगा तो आपका वन होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ों के साथ वन मल्टीप्लाई करना और फिर सेम चीज़ से डिवाइड करना, दैट इज़ द सेम बात जो हमने किए है। तो इसके लिए क्या है ये और ये बेसिकली कैलकुलेशन फोर प्लस फाइव वाई इंटू फोर माइनस फाइव वाई। ठीक है, अब ये फोर प्लस फाइव वाई है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा थ्री प्लस फोर आई इंटू मल्टीप्लाई बाई फोर माइनस फाइव वाई। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो नीचे का जो पोर्शन है ये क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो फोर स्क्वायर माइनस फाइव वाई का फोर स्क्वायर हो गया नीचे का हिस्से का काम। ऊपर का हिस्से का क्या होगा, आप कुछ देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है पी एम माइनस क्यू एन। तो पी एम क्या है बेसिकली पी और एम और क्यू एन, दैट इज थ्री इंटू फोर, क्या होता है क्या है नीचे जो पोर्शन है वो हो गया फोर स्क्वायर माइनस फाइव वाई स्क्वायर, राइट। ऊपर में क्या हुआ है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या है पी एम क्यू एन, थ्री इंटू फोर दैट इज ट्वेल्व, राइट। और माइनस फाइव इंटू फोर क्या है प्लस ट्वेंटी, बेसिकली ये माइनस है और ये माइनस माइनस सो क्या होगा प्लस हो गया। ठीक है, प्लस आई इंटू क्या है पी एन और क्यू एम, पी एन प्लस क्यू एम, तो वो दैट इज थ्री इंटू फाइव दैट इज माइनस फिफ्टीन प्लस एम क्यू, एम है फोर इंटू फोर दैट इज सिक्सटीन। तो हुआ ये कि ट्वेंटी और ट्वेल्व क्या होगा थर्टी टू प्लस आई बाई ये फोर स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन माइनस फाइव स्क्वायर दैट इज ट्वेंटी फाइव एंड आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो माइनस ट्वेंटी फाइव इंटू माइनस दैट इज प्लस ट्वेंटी फाइव, सो दैट इज सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव दैट इज थर्टी टू प्लस आई वाई फोर्टी वन। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। ओके, इसका भी एक डायरेक्ट फार्मूला है, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या है वो बता देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि जेड वन वाई जेड टू इक्वल्स टू, अगर हमने पी प्लस आई क्यू एंड एम प्लस आई एन दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो क्या होगा पी एम प्लस क्यू एन प्लस आई इंटू क्यू एम माइनस
पी एन बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपका एक काम है, आप इसी एग्जांपल को इस फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करके देखो ये रिजल्ट आया कि नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।